जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। केशव क्या? केशव सुन दा। का क्यों बे? चोरी? ये डाका डाले हो? अबे मार तो नहीं दी किसी को? चोरी? हम केशव सोंडा और आप? का पहली बार की हो का बे? ये हमसे नहीं होगा। तू नीरज से बात कर, तेरे गांव बसवी के पास वाले गांव पराहा का ही रहने वाला है। नीरज कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा और कहाँ मिलेगा, पर कम मिलेगा ये कौनो नहीं जानता। चांस लेना पड़ेगा। हम नीरज का काम था? हम परा से है ना, हम बसवी से काम कर। हरी राम। हाँ तो तू है का केशव सोंडा? हाँ। कांटेक्ट करा पुजारी का, तो ओकरा को जो चाहिए ओकरा के पास मिले। पुजारी कहाँ मिलेगा? नंबर वा दे देंगे उनका, कोशिश करते रहना, कबो न कबो लग जाए। ओकरा के हमारा नाम लेके बात करना, तो हर काम हो जाए। पैंतीस साल का केशव सोंडा जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा था, धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा था। में से तो एक टाइम पर एक ही गोली चलेगा ना, फिर दोबारा लोड करना पड़ेगा। देसी है, यही बनता है। पुलिस भी पता नहीं लगा पाएगी कहां से लाए हैं। पंद्रह गोली दे दीजिए,
पहले कभी चलाए हैं? तो फिर 30 गोली लीजिए, हाथ साफ ना करना पड़ेगा। ले लीजिए। हम कैसा बोल रहे हैं, हम तैयार हैं। हाँ तो ठीक है, उस चक्रधर नाका के पास में मिलना, वही पास ही में जंगल है। वो हर रात 8 बजे के करीब में वंडी जाता है, हम उसको सीधा वहीं पे लेके आते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। क्या हुआ? मुझे देखकर हंसी उड़ गई। हम 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। बाबूजी, हमने जगह चाचा से बात कर ली है, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे चिंता ना ही करो बेटा, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, पर आप 9 बजे तक वापस आ जाना, वहाँ बतियाते मत रहना। अब निकलूंगा तब तो आऊंगा। मनोहर भैया, और मनोहर भैया रुके ना। नीरज, का हुआ? मनोहर भैया, कुछ लोग बहुत मुश्किल में हैं। गांव के नहीं लग रहे हैं, लेकिन बैठ के रो रहे हैं बेचारे। कहाँ पे? वो जंगल के पास में। पर परेशानी कहाँ है? वो तो नहीं पता, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो देखे, तो हम सोचे किसी से मदद मांग ले, तभी हमको किस्मत से आप आते दिखाई दे दिए। आ बैठ, देखते आ जा। हाँ नीरज, कहाँ है वो लोग? अब इधर ही पास ही में है, लेकिन ये मोटरसाइकिल नहीं जा पाएगा ना, तो पैदल चलना पड़ेगा। अरे और कितना आगे है नीरज? हे नीरज, ये क्या हो रहा है? अरे काहे को लाए हो हमको यहाँ? नीरज ससुरा, मार! देख देख, मरा कि नहीं? भैया सांस चल रही है, जंगल में फेंक आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ही दम तोड़ देगा। सुनो, अब हम लोग यहां से भाग चलते हैं। केशव, तेरे पैर में चोट भी लगा है, हाँ? वैसे जो मोटरसाइकिल है ना, हम सड़क किनारे डाल दें। चलो भैया, चलते हैं संभाल के। त्रेपन साल के मनोहर लूमी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो उस जिले के 14 गांव के मुखिया थे। उनका बड़ा नाम था, इज्जत थी, रुतबा था।
नमस्ते काका। सुन बेटा, अरे मनोहर जी कहाँ है? वो तो मंडी निकल गए, आपसे नहीं मिले। वो तो आए ही नहीं। बेटा हम घर लौट रहे थे तो चक्रधर नाके के पास मनोहर जी की मोटरसाइकिल ये सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखी। क्या बाबूजी का फोन बज रहा है पर उठा नहीं रहे वो। हमें तो बहुत डर लग रहा है। वो ऐसी जगह पे रुके ही क्यों थे? कहाँ जा रहे थे? ऐसा करते हैं, हम आसपास देखते हैं कहीं उनको कुछ हो न गया हो। मनोहर जी, मनोहर जी, अरे यहाँ आओ सब। मनोहर जी यहाँ है, खून में लथपथ पड़ा है, किसी ने गोली मारी इन्हें। बाऊजी, क्या हुआ? इनकी सांसें चल रही हैं, इनको तुरंत अस्पताल लेके जाना होगा। आपको क्या हो गया? आप कुछ बोलिए ना। गोली निकाल दी है, लेकिन तुम दोनों को आज रात में ही यहां से भाग जाना पड़ेगा। और कुछ दिनों के लिए हम भी यहां से गायब हो रहे हैं भैया। आप चल तो सकोगे ना नागेश? अब देर मत कर। माफ कीजिए, हमने बचा नहीं पाए। सर, मनोहर जी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी गांवों का अलर्ट कर दो। मनोहर जी 14 गांवों की पंचायतों के मुखिया थे। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें यहाँ लाया गया था, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। बॉडी कहाँ है? छह गोलियां मारी गई इन्हें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? अगर सुबह तक गांव वालों को बॉडी नहीं सौंपी गई तो वो लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं। रोज की तरह 8 बजे घर से निकले थे, फिर 9:45 बजे राम काका का फोन आया चक्रधर नाके से। उस तरफ वो किसी काम से गए थे? पता नहीं, घर से मंडी के लिए निकले थे। मगर वो मंडी पहुंचे नहीं साहब, हम लोग तो उनका इंतजार ही करते रहे। हमें लगा कि घर के किसी काम में अटक गए होंगे साहब। फिर आप लोगों को उनकी बॉडी जंगल में मिली? हाँ साहब, हम लोग जंगल में उन्हें ढूंढ रहे थे, तभी मेरा पांव एक चीज से टकराया। देखा तो मनोहर जी पड़े थे खून में लथपथ।
अब ये यहाँ पे यहाँ मिली थी मनोहर जी की लाश। इधर आओ, फॉरेंसिक वाले को बोलो ब्लड सैंपल्स ले ले। सर मेरे ख्याल से हमलावर खुद भी घायल हुआ है, यहाँ खून के निशान है। हो सकता है उसने यहाँ से गोली चलाई और तभी गलती से खुद भी घायल हो गया। गोली जरूर उसके पाँव में लगी, निशान आगे तक बढ़ते हुए दिख रहे। ये खून मनोहर जी का नहीं हो सकता, काफी ज्यादा खून। लगता है उसने पाँव में कुछ बांध लिया, आगे निशान कम हो गए। लेकिन सर आगे तो घना जंगल ही है। राणा अपने आदमियों को जंगल के अंदर भेजो, उनसे कहो कि चप्पा चप्पा छान मारे, वो अंदर ही कहीं छिपा बैठा हो, जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हाथापाई के कोई निशान नहीं है, गोलियां कुछ दूर से चलाई गई हैं, देसी कट्टे की गोलियां। छह गोलियां देसी कट्टा, मतलब हर बार रिलोड करके गोली चलानी पड़ी होगी। ये हमला किसी ने अकेले किया हुआ ऐसा नहीं लगता सर, और उसमें से एक जख्मी हुआ है। सर क्राइम स्पॉट से ले गए दोनों ब्लड सैंपल्स की जांच की, उनमें एक तो मनोहर जी का है लेकिन दूसरा ब्लड उनके ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। शिव हमलावर का हो सकता है, जिसके शायद पैर में चोट लगी थी। ये जख्म कील का नहीं है। जो भी करना है जल्दी कीजिए, ये तो किसी गोली का निशान है। हमको बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, जल्दी से मलहम पट्टी कर दीजिए। माफ कीजिए ये पुलिस केस है। नहीं भाई नहीं, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, ये पुलिस केस है, इसके लिए तुम्हें सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं आप सबका जज्बाती होना समझ सकता हूँ, पर आप लोग ही बताइए क्या बिना जांच के कोई मुजरिम पकड़ा जा सकता है? मनोहर जी पूरे 14 गांव के मुखिया थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग यही चाहते हैं ना कि मनोहर जी का खूनी पकड़ा जाए, या फिर ये चाहते हैं कि हम अपना सारा वक्त गांव वालों को काबू करने में ही जाया करते? ठीक है हम लोगों को समझाते शांत करते, पर बाबू जी के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, वो लोग बच के जाने नहीं चाहिए। याद है कहाँ देना? हाँ मुपना गांव जा। मनोहर लूमी को किसने मारा? इससे बड़ा सवाल अब यह बन गया था कि आखिर इस खून का मकसद क्या था। पुलिस के लिए इस खून का मकसद जानना बहुत मुश्किल हो गया था, ऐसी एक भी थ्योरी सामने नहीं आ रही थी जो इन सवालों का जवाब दे सके। नहीं साहब
बाबू जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सब उनको बहुत चाहते थे, बहुत इज्जत करते थे उनकी। ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको पूरे गांव में जिसे उनसे कोई शिकायत हो। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। वो घर से निकले थे मंडी जाने के लिए, लेकिन उनकी बॉडी मिली हमें जंगल में। जंगल में जाने की उनके पास कोई वजह नहीं थी, मतलब कोई था जो उन्हें जंगल में ले गया, और उस ले जाने वाले का मकसद साफ था, मतलब कोई तो था जो उन्हें मारना चाहता था। मैंने बताया ना आपको, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। 14 गांव के मुखिया थे वो, बड़ा मान था उनका गांव में। चौदह गांव की 14 पंचायतें हैं और हर एक का अपना अपना प्रधान है, पर उन सब प्रधानों के मुखिया थे हमारे मनोहर जी। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पर हमला तो हुआ है, और हमला करने वाले जंगल में भाग गए। वो जंगल में जिस तरफ भागे हैं उस तरफ प्रहा गांव पड़ता है। क्या किसी गांव का कोई प्रधान इस हमले के पीछे हो सकता है? किसी एक प्रधान की भी मनोहर जी से दुश्मनी होती तो पिछले 12 सालों से निर्विरोध मुखिया नहीं चुने जाते। दुश्मनी वाली तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मनोहर जी लोमी समाज के नेता थे। गांव में सोंडा समाज भी तो है। दोनों समाजों के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा कोई बन? एकदम से तो ऐसा कुछ याद नहीं आता साहब, पर सच कहें तो साहब हमको तो ऐसा सोचना भी मुश्किल लगता है कि कोई मनोहर जी का खून भी कर सकता है। विश्वास ही नहीं होता साहब कि ऐसा भी हो सकता है। ये रास्ता मंडी की तरफ जाता है, मनोहर जी शायद इसी रास्ते से जा रहे होंगे। किसी ने उनको बीच रास्ते में रोका और जंगल में ले गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कोई ने जबरदस्ती वहां ले गया हो? पोस्टमार्टम में हाथापाई के तो कोई निशान नहीं। हाँ ये हो सकता है कि कोई किसी बहाने से उन्हें जंगल में ले गया, जहां हमलावर पहले से मौजूद है, और उनके वहां पहुंचते ही हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी। हाँ सर ऐसा हो सकता है। अगर कोई किसी बहाने से उन्हें जंगल में ले गया है तो उसका मतलब यह है कि कोई जान पहचान वाला है, शायद इसी गांव का। दुश्मनी का एंगल है ये तो पक्का है, और दुश्मनी भी इतनी पुरानी है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं। रोज रात को मंडी में मिलना होता था। सब लोग जो है अपना दुकान धंधा बंद करके मिलते थे, बातचीत करते थे। मनोहर जी जब वहां नहीं पहुंचे तो किसी ने उनके घर पर फोन नहीं किया? अब साहब बात यह है कि हम तो रोज की बातचीत करते थे, कभी कभी कोई नहीं आ पाता तो घर पे अपने अपने काम होते हैं। हमें लगा कि मनोहर जी किसी काम में फंस गए हैं, लेकिन जब हम घर लौट रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल देखी तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर दुश्मनी जैसी कोई बात होती तो वो घर पे जरूर बता दे, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई धमकी वगैरह या किसी से कोई खतरा? साहब और कितनी बार बताएं, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये काम किसी नक्सली का नहीं है सर। मनोहर जी एक रईस आदमी थे, कोई फिरौती का चक्कर? अब सब ऐसी कोई बात होती तो पता चल जाता। आग की तरह फैलती है खबर, इतनी ही सी बात। देसी कट्टे के एंगल के बारे में कुछ पता चला? ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देसी कट्टा बनाते हैं, कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो उन्हें बेचते हैं, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं रखता। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते साहब। नक्सलियों को कोई एंगल नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई पुराना बैर भी नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। ना तो गुनहगार का पता चल रहा है और ना ही खून करने के मकसद का। एक आदमी 12 साल से 14 गांवों की पंचायतों का मुखिया है, 12 साल से, उसे भला कोई क्यों मारेगा? वो भी इतनी बेरहमी से, देसी कट्टे से 6 गोलियां चलाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कड़ी हमारी नजरों से चूक गई?
सर, जांच हमने जहाँ से शुरू की थी अभी भी वहीं पर ही है। किसी कड़ी का नजरों से चूकने के लिए जांच को आगे भी तो बढ़ना जरूरी है। मुझे गांव का अंदरूनी मामला लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि पूरे गांव ने मिलकर, मेरा मतलब है कि गांव की पंचायत ने मिलकर या फिर 14 गांवों की पंचायत ने मिलकर किसी को सुपारी दी और इसी वजह से सब चुपचाप बैठे हैं। और यही वजह है कि हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा है। और वही लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि हम अब तक खूनी को पकड़ नहीं पाए। इसी वजह से तो शक हो रहा है। ना तो खूनी का पता चल रहा है और ना ही खून करने के मकसद का। सबकी मिली भगत है और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। सर, हमलावरों में से एक को गोली लगी थी। अब हम ये मान लें कि गांव के किसी जान पहचान वाले ने मनोहर जी को रोका और जंगल में वहां ले गया जहां पर हमलावर पहले से मौजूद थे। सर, ये भी तो हो सकता है कि हमलावर गांव में से कोई हो, इसलिए हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। हो सकता है वो लोग भाग निकले। एक जख्मी था, मतलब गांव के किसी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, लेकिन किसी भी डॉक्टर को उसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है उसने इलाज कहीं बाहर करवाया। अब हमें यह पता लगाना है कि गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो मनोहर जी की हत्या के बाद से गांव में नहीं। अंधेरे में ही तीर चलाते हैं। यह सचमुच अंधेरे में एक तीर था। ना तो मुजरिम की कोई पहचान थी और ना ही मकसद की कोई जानकारी। क्या कोई ऐसा हो सकता था जो इसी गांव का हो और अब तक पुलिस की नजर में ना आया हो? धार करा लो, चाकू कैंची धार करा लो। बाबूजी धार करवाएंगे कैंची। कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। बहुत बड़े आदमी थे मनोहर जी, लोमी समाज में बहुत नाम था उनका, ऐसे थोड़ी मुखिया बन गए। और ये सोंडा समाज वाले, उनको तो जलन होती होगी। होती होगी, पर करा के कर ही क्या सकते हैं। है ही कितने घर उनके गांव में। धार करा लो, चाकू कैंची धार करा लो, चाकू कैंची धार करा लो, चाकू कैंची धार करा लो। साफ सुई वहीं के वहीं अटकी हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहां तक कि मनोहर जी के परिवार को भी नहीं। ये तो हमें भी पता है, कुछ और पता चला? पता तो चला है साहब, पर कितने काम का है ये पता नहीं। 13 फरवरी की रात, जिस रात मनोहर जी का खून हुआ था, तब से दो लोग गांव में नजर नहीं आ रहे हैं। कौन दो लोग? केशव सोंडा और उसका छोटा भाई नागेश सोंडा। दोनों अपनी माँ सुभद्रा सोंडा के साथ रहते हैं। एक और भाई है उसका, मोहन सोंडा, वो उनके साथ नहीं रहता। कोई कनेक्शन हो सकता है? 13 फरवरी से घर नहीं लौटे, एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है। सुभद्रा जी। जी। आपके दोनों बेटे केशव और नागेश कहाँ हैं? वो दोनों तो शहर गए हैं साहब। काफी दिनों से गए हुए हैं ना? क्या हुआ सर? तुम मोहन हो ना? जी हाँ। नहीं कुछ नहीं, बस ये पूछने आए थे कि केशव और नागेश कहाँ? वो तो शहर गए हैं कुछ काम से। क्या बात है, सबके सब एक जैसा ही जवाब दे रहे हो कि शहर गए हैं किसी काम से गए हैं। ऐसे किस काम से गए हैं कि 4 दिन से घर नहीं लौटे? साहब हम किसान हैं, खेतों के लिए खाद बीज कुछ ना कुछ लगता ही है, शायद खेतों के लिए कुछ सामान लाने गए होंगे। ए अम्मा, जाने से पहले कुछ बोल के गए थे? नहीं तो, खेत के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, बस इतना ही कह के गया। ऐसा क्या लाने गए थे कि अभी तक घर नहीं आए? अब साहब बरसों पहले हम खेतों का बंटवारा कर दिए, केशव अपना खेत संभालता है और हम अपना। अब हो सकता है कुछ ऐसा काम हो जिसका मुझे पता ना हो, और अम्मा को तो आप देख ही रहे हैं, बुढ़िया आ गई है। ये कौन है? ये केशव की पत्नी है। फिर तो इन्हें जरूर पता होगा कि इनका पति कहाँ है। केशव और नागेश के पास मोबाइल तो होंगे। दोनों के फोन बंद है। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। सर, दोनों के फोन 3 फरवरी से बंद है, मनोहर जी की हत्या के ठीक 10 दिन पहले से। मोहन कुछ तो गड़बड़ है।
क्या तेरे भाई मनोहर जी के खून में शामिल है? साहब, पहली बात तो ये है कि हमें सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे भाई मनोहर जी को मारेंगे क्यों? इसी सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। देख, अगर तुझे कुछ पता है तो सच सच बता दे। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। मुझे लग रहा है केशव और नागेश दोनों इस मर्डर में शामिल, इन दोनों की कुंडली निकलो। या तो ये दोनों हमारे हाथ लग जाएं, या फिर इस मर्डर से इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये हमारे हाथ में आ जाए। नहीं मालूम साहब, वो केशव मिला था जेल में, अपने गांव बसवी में कोई बहुत बड़ा कांड करवाना चाह रहा था। क्या कराना चाह रहा था वो नहीं मालूम साहब, पर परहा गांव का एक आदमी है नीरज, वो जानता है। ये नीरज भी तो हिस्ट्री सीटर है ना? जी साहब। सर, केशव एक हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर चोरी और डकैती के कई मामले भी दर्ज है। अजीब बात यह है कि उसने जुर्म की दुनिया में 1.5 साल पहले ही कदम रखा है। उसने पराहा गांव के एक हिस्ट्री शीटर नीरज से कुछ काम करवाया है। नीरज की सारी डिटेल्स मिल गई है सर। मूव। अब सारी कड़ियां केशव के इस खून में शामिल होने का इशारा कर रही हैं। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? जी? नीरज? वो नहीं है। आप कौन? हम उनकी पत्नी हैं। कहाँ गया वो? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पति है तुम्हारा? साहब, वो हफ्तों बाहर रहते हैं, कभी बता के नहीं जाते हैं। उसका मोबाइल नंबर? पुलिस को केशव और नागेश पे शक है, और दोनों कहाँ है ये भी पता नहीं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वे दोनों शामिल हैं। नमस्ते कृपाल जी। विष्णु जी, आप मनोहर लोबी और केशव सोंडा के बीच कड़ी ढूंढ रहे थे ना? जी। ऐसी एक कड़ी है। ये पढ़ लीजिए, 22 साल पुराना मामला है। सर, 22 साल पुराना कनेक्शन है, 22 साल। अम्मा, पुलिस का शक पक्का हो गया है कि खून केशव और नागेश ने किया है, और उनकी मदद परहा गांव के नीरज ने की है। ऐसी हवा है कि 22 साल पहले का कोई मामला है। अम्मा, आपको पता है कि 22 साल पहले क्या हुआ था? मैं और पूजा तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। हरज बोल। केशव मोहन और नागेश, इनकी एक मौसी है, नाम है लीला रानी, यही मोपना गांव में रहती है। ये ले, याद है कहाँ देना? हाँ, मोपना गांव। केशव की अम्मा सुभद्रा की सगी बहन है लीला रानी, विधवा है वो। वो दोनों वहाँ छुपे? ये तो पता नहीं साहब। ठीक है। ठीक है, जैसा तुमने कहा हम वैसा ही करेंगे। अम्मा, पुलिस को केशव और नागेश पे पूरा शक है। कितना समझा केशव को, भूल जा, नीति बातों पे मिट्टी डाल, पर नहीं माना, नहीं समझा।
क्या मिल गया उसको ये सब करके। बीज तो उसने बोया है अम्मा, अब भुगतेगा भी वही। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आखिर 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि केशव और नागेश ने इतनी बेरहमी से मनोहर लूमी की हत्या की थी? ऐसा लग रहा था कि केशव का पूरा परिवार जानता था कि उसने क्या किया है और वो उसे बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस को मुजरिम का भी पता चल चुका था और शायद जुर्म के मकसद का भी। क्या वो कभी केशव, उसके भाई नागेश और पास के गाँव में रहने वाले इस जुर्म के भागीदार नीरज को पकड़ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।